हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ सो so गाइस आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एम पी की इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में अशोक मेहता समिति को पढ़ना चाहते हैं तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो एग्जाम में डायरेक्टली आप लोगों के या तो शॉर्ट नोट में या लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा अशोक मेहता समिति अगर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है तो सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वह इस तरीके से पूछा जाएगा कि भाई अशोक मेहता समिति ने स्थानीय शासन को बढ़ावा देने में अपनी क्या भूमिका निभाई है तो चलिए बात करते हैं आज की अपनी इस वीडियो में सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो अशोक मेहता समिति थी ये किससे संबंधित थी तो ये पंचायती राज से संबंधित थी पंचायती शासन व्यवस्था आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग से हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही थी जब लॉर्ड रिपन ने अट्ठारह में पंचायती राज की बात करी थी मैग्ना काटा की तभी मैंने बताया था कि हमारे देश में पंचायती राज की स्थापना हम प्राचीन काल से ही हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो अपने सामुदायिक रूप से या फिर कबीले के रूप से पंचायत हर किसी की रहती थी परंतु इसे एक संवैधानिक दर्जा देने का कार्य जो है भारतीय आज़ादी के बाद से ही स्टार्ट हो गया है अशोक मेहता समिति इसीलिए बनाई गई थी ताकि पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया जा सके और इस अशोक मेहता समिति का गठन किसने किया था तो जनता पार्टी सरकार ने किया था कब किया था तो 1977 में किया गया इसका गठन अशोक मेहता समिति जो है इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया प्रतिवेदन मतलब अपनी जो रिपोर्ट है वो 1978 में सरकार को दी और जिसमें इन्होंने कुछ बातें कही और कहा था कि अगर हमें पंचायती राज व्यवस्था को ठीक करना है और संवैधानिक दर्जा देना है अच्छे तरीके से हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी है तो उसके लिए हमें निम्नलिखित स्टेप लेने चाहिए इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि भाई त्रिस्तरीय बनावट की बात करी त्रिस्तरीय बनावट का मतलब क्या है तीन स्तर की बनावट यानी थ्री ट्रायरर इसके बारे में बात की थी इसमें से दो स्तर आप लोगों के संगठन होना चाहिए जिसे जिला स्तर का कहा गया है और जिला स्तर और दूसरा है आप सभी का जिला परिषद दूसरे नंबर पे है आप लोगों का देखिए पंचायती राज व्यवस्था को तीन स्तर पे बांटा है पहला दूसरा और ये तीसरा जो पहले दो स्तर हैं ये जिला स्तर के हैं कौन से स्तर के हैं आपको ध्यान रखना है पहले दो स्तर के जो हैं वो जिला स्तर के हैं इसके अलावा जो तीसरा स्तर नीचे वाला है तीसरा स्तर जो नीचे वाला है ये कौन से समिति का है ये कौन से ये मंडल है इन्होंने अशोक मेहता समिति में सबसे इंपॉर्टेंट है इनका कहना था कि ग्राम पंचायत समाप्त कर देनी चाहिए ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए इन्होंने सिर्फ दो की बात करी थी एक तो जिला की एक डिस्ट्रिक्ट की और दूसरा इन्होंने बात करी थी मंडल की किसकी मंडल समिति की इन दोनों की बात करी थी इन्होंने ठीक है आप लोगों को ये याद रखना है इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर ओके तो साथ ही साथ इन्होंने क्या क्या बातें कही थी इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं ओके okay. तो इन्होंने क्या कहा कि भाई मंडल जो पंचायत होगी उसके अंदर कितने मेंबर होंगे इन्होंने कहा था कि उसमें पंद्रह मेंबर होने चाहिए जो गांव की जनगणना के आधार पर ग्रामीण व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे इसके साथ साथ जो ये पंचायत है मंडल पंचायत इसमें होगा क्या ये कई गाँवों का समूह होगा क्या होगा कई गाँवों का कई गाँवों का समूह होगा का समूह होगा पिछली स्लाइड में यह आपने देखा कई गांवों का पंचायत जो ये मंडल पंचायत है कई गांवों का समूह होगा इसमें पंद्रह मेंबर होंगे और ये ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसे चुना जाएगा इनके मेंबर्स को इसके दो सदस्य ऐसे होंगे जो महिलाएं होंगी और एक कृषक मजदूर का प्रतिनिधित्व करेंगे इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर इनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा इसके साथ साथ इसका अध्यक्ष चुने गए सदस्य द्वारा में से जो भी सदस्य पंद्रह चुने गए इन्हीं में से एक इनका अध्यक्ष चुना जाएगा जो कि चार वर्षों के लिए होगा कितने वर्षों के लिए चार वर्षों के लिए चुना जाएगा मंडल पंचायत कई गाँव को मिलाकर लगभग पंद्रह हज़ार से बीस हज़ार तक की जनसंख्या की होगी जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया इसके अलावा अशोक मेहता समिति में और भी बातें हुई थी कि भाई जिला परिषद जो है ज़िला परिषद में इन्होंने कहा क्या कि छह प्रकार के सदस्य होंगे जिसमें पंचायत समिति का अध्यक्ष होगा सहकारी समिति का अध्यक्ष होगा या फिर आपका मुंसिपल कॉरपोरेशन जो डिपार्टमेंट होता है उसके प्रतिनिधित्व होंगे दो महिला सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति के दो दो सदस्य होंगे और स्थानीय शिक्षक तथा ग्रामीण विकास में रुचि रखने वाले व्यक्ति भी इसके अंदर शामिल होंगे इसके अलावा क्षेत्र में जो भी एम या एमपी जिला के जो भी निर्वाचित होते हैं वो भी सदस्य इस परिषद के सदस्य माने जाएंगे छह प्रकार के सदस्य होंगे ठीक है इसके साथ जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव भी चार वर्षों के लिए किया जाएगा और इसके जो भी मेंबर्स होंगे उनके द्वारा ही इसका चुनाव किया जाएगा पंचायती राज संस्थाओं को आरोपण यानी पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने में इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है और इनको कहना था कि जो स्थानीय शक्तियाँ हैं स्थानीय स्तर की वो इन्हीं को पंचायतों को ही मिलनी चाहिए थी जिससे ये संस्थाएँ राज्य सरकार में अपना नाम मात्र ही अनुमोदन ना कर पाए या ना ही रह पाए बल्कि अपने स्थानीय स्तर की अच्छी भूमिका निभा पाए खुद अपनी आय के स्रोत बना सकें यानी टैक्स वगैरह जो एमसीडी के जैसे टैक्स होते हैं वो भी ये खुद ही कलेक्ट कर सके ताकि इसे दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता ना पड़े अशोक मेहता समिति ने कुछ क्षेत्र जैसे व्यवसाय कर है ना मकान कर इन सब का उल्लेख किया था कि भाई इन सब से जो भी टैक्स आएगा जो भी कलेक्ट होगा इसे स्थानीय स्तर पर जो है पंचायतों के रख रक रखाव के लिए या अन्य कार्यों के लिए उसे यूज़ किया जाएगा आप लोगों को ये भी क्लियर है बात करते हैं इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि राज्य सरकारें राजनीतिक आधार पर पंचायती राज संस्थाओं का विघटन ना करें यानी जो स्थानीय सरकारें हैं उनका विघटन यानी जो स्थानीय स्तर पर पंचायत चुनी जाएगी ये राज्य सरकार इनको ख़त्म ना कर दें क्योंकि कई बारी जो बड़ी शक्तियाँ होती है जैसा कि आप देखते हो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को कई बारी जो राज्यपाल है उसकी रिपोर्ट के अनुसार बर्खास्त कर देती है ठीक इसी तरीके से ऐसा यहाँ भी नहीं होना चाहिए जो पंचायती राज है ये पंचायती राज को राज्य सरकार विघटित ना कर दें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए इसके अलावा यदि ऐसा होता भी है तो उन संस्थाओं का चुनाव सिक्स मंथ के अंदर हो जाना चाहिए ठीक है आप लोगों को ध्यान रखा है छः महीने के जैसे मध्याअि चुनाव होते हैं या उपचुनाव होते हैं तो वो चुनाव हो जाने चाहिए इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं में आपको क्या करना चाहिए चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए यानी इसमें चुनेगा भी कौन यानी कि स्थानीय कोई भी खड़ा हो जाएगा राजनीतिक पार्टियां ही इसके अंदर आएंगी इन्वॉल्वमेंट होगा उसी के मेंबर इसके अंदर चुने जाएंगे इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए ये कार्य करेगी है ना मोनेट्रिक क्या बनाएगी फॉर्म बनाएगी और साथ ही साथ ये क्या करेगी जो भी पिछड़े वर्ग के या सामाजिक रूप से जिन व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाए ऐसे व्यक्तियों के लिए परिषद गठन किया जाएगा और उनके कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा क्योंकि स्थानीय स्तर पर ही हम देखते हैं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए कई सारे कार्य नहीं हुए जिसकी वजह से उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो चुकी है तो इन्हों का एक रिकमेंडेशन ये भी था कि भैया उनके लिए भी हमें कदम उठाने चाहिए इसके साथ साथ अशोक मेहता समिति ने बलवंत राय मेहता समिति जो बलवंत राय समिति थी उसमें कुछ परिवर्तन किए थे लेकिन सरकार ने इसकी एक चतुर्थी स्वीकार नहीं करी यानी जो भी इसमें परिवर्तन किए गए उसको स्वीकार नहीं किया गया आप सभी को पता है आगे जो पी के थुंगन समिति है उसके द्वारा भी कुछ रिपोर्ट दिए जाते हैं तो और भी समितियाँ जो है उसकी रिपोर्ट के बारे में भी मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के लिए बताऊंगा लेकिन ये अशोक मेहता समिति आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ज़रूर कर लें ये निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो क्योंकि पेपर में आप सबको पता है विदाउट निष्कर्ष आप सभी का जो आंसर है वो अधूरा रहता है तो आज भारत में पंचायती राज व्यवस्था में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाव दिए गए हैं उसी पर ही कार्य कर रही है 1986 में क्या है कि सिंधुवी समिति जो है एल एम समिति जिसे हम बोलते हैं उसने भी कुछ सुझाव दिए थे और 1989 में आगे चल के पंचायती राज व्यवस्था में कई सारे सुधार लाने के लिए 64 संविधान संशोधन भी किया गया था और इसके बाद में आगे चल के क्या किया गया कि भाई तिहत्तरवां संविधान संशोधन और चौहत्तरवां संविधान संशोधन एक साथ हुआ था स्थानीय स्तर के शासन के लिए और इसके बाद में आगे चल के इसे एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया जिसके तहत ये बात कही गई कि भैया हर पाँच वर्षों के लिए चुनाव होगा चार वर्ष का जो जो रिकमेंडेशन था वो स्वीकार नहीं हुआ बट इसके अंदर कई सारी परिवर्तन थे तिहत्तरवां और चौहत्तरवां संविधान संशोधन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके अलावा आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं आज की इस नई वीडियो से अगर आप लोगों को कोई भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए गाइज़ मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में इसके अलावा आप सभी की स्टडीज़ के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप्स बना दिए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसके अलावा अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं है। आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है आपके स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है आप इस नंबर के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं है। चलिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट है तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत